सूरत नो जमन अनि काशी नो मरण, ये लाइंस अगर आपने सुनी है तो आपको पता होगा कि सूरती जो स्नैक्स होते हैं कितने स्पेशल होते हैं। एंड आज मैं आपको मुंबई में ही सूरती स्पेशल स्नैक्स दिखाने वाली हूँ। एवरी गुजराती इंक्लूडिंग मिस्टर अंबानी स्टार्टेड फ्रॉम भुवनेश्वर, व्हेन दे केम माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरात, दिस वॉज द हब ऑफ द गुजराती। इस साल से मैंने कभी देखा नहीं कि उनके कोई भी क्वालिटी में फर्क आया हो। आज का वीडियो होने वाला एक ऐसी शॉप के बारे में जो 1936 में एस्टेब्लिश हुई थी। जी हाँ, 88 इयर्स ओल्ड शॉप है ये, विच इज नोन एज हीरालाल काशीदास भजियावाला। और पहले मैं आपको इसका लोकेशन बताती हूँ, ये है भुवनेश्वर जहाँ से स्टार्ट होता है इस तरफ मेरे लेफ्ट में, और सीपी टैंक का जो रोड जो खत्म होता है वो इस तरफ, तो राइट यहाँ पे भुवनेश्वर एंड सीपी टैंक के बीच में ये जगह है। एंड इतनी ज़्यादा फेमस है ये अपने सूरती स्पेशल स्नैक्स के लिए। इनके जो स्नैक्स है ना, ये आपको मुंबई में और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्नैक्स एकदम नए नए, मतलब यूनिक, आपने ये नाम शायद सुने भी नहीं होंगे अगर आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते हैं। तो वो सारे आपको दिखाने वाली हूँ। और इतने पॉपुलर स्नैक्स है कि हर गुजराती ऑफ मुंबई नोज अबाउट दिस शॉप, जिसको भी उंधियों खा रहे हैं ना, स्पेशल उंधिया। सो मुंबई से लेके मैनहट्टन तक इनका उंधिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग आते हैं स्पेशली खाने के लिए। आपको सीजन में तो उंधिया मिलता ही है, प्लस ऑफ सीजन में भी मिल जाता है। और न्यूज़पेपर्स में एवरी ईयर इनके बारे में आर्टिकल्स छपते हैं ना, द बेस्ट उंधिया इन मुंबई। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इनका उंधियों कितना ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जगहों से, क्या चीज़ अलग है, क्या खास है, और जो दूसरे स्नैक्स में आपको बता रही थी ना वो कैसे हैं। Let's go and try them. So, namaste. Namaste. So, I think what? 1936. 1936. 88 years. 88 years, right? My grandfather. Okay. The name of the shop is his only, Hiralal Kashidas Bhajiawala. Okay. When my grandfather started it, he was right in the hub of the Gujarati this thing, and he became a hit. Okay. And he himself was a cook. Mm-hmm. And at the age of 60, he migrated from Surat to Bombay. They had a shop there in Surat also. Mm-hmm. He had differences with his brothers and he came down to Bombay. Mm-hmm. And he set it up here. So that time, what all were the staple things that were available and you all? Same items, same ingredients, okay. Same formulation, same taste. So since 88 years, you have the same menu. The old one is also available. So this is the best place to take your snacks and breakfast. You know, batata vada, batata ghugra, batata patties, anything you want. It's very, very neat, very clean, very reasonable. You will not find these things. Yeah, these are typical of Surat. Lilwa means jo papadi beans that we use in undia, unka dana hai rehta hai. The Gujaratis will know about it. Papadi. The Surat people will. Papadi is the one which is the beans type of thing, yeah. Which is the main ingredient in undia. So the dana out of that is known as Lilwa. Okay. So you stuff that in the kachori and the ghugra. सूरत के सारे स्पेशल स्नैक्स जो आपको सूरत में मिलेंगे वो सारे स्नैक्स मेरे सामने आ चुके हैं। और मेरी गारंटी है आपको कि इसमें से ना बहुत सारे कुछ तो आपको यहाँ मिलने वाले ही नहीं है, और कुछ अगर मिल भी जाएंगे ना तो उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होगी। इसलिए ये वीडियो ज़रूर ज़रूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो सूरती स्पेशल चीज़, जो मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इस शॉप के अलावा और कहीं भी मिलती है, अगर मिलती है तो ज़रूर बताना। तो दिस इज कॉल्ड लिलवा घुघरा। अब लिलवा क्या होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही आके देखा, तो वो उंधिया में भी डाला जाता है। तो इसका जो शेप है ना एग्जैक्टली, मतलब घुघरा जो बोलते हैं ना स्वीट शॉप में, कभी भी आपको घुघरा यानी कि महाराष्ट्र में करंजी बोला जाता है, तो स्वीट करंजी ऐसे टाइप का होता है, हैदराबाद में भी मिलता है वो, तो वैसे ही शेप है। बट दिस इज ड्राई, वो चाशनी वाला नहीं है और वो स्वीट होता है, तो ये स्वीट नहीं है। इसको ट्राई करके बताती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। स्टफिंग देखोगे ना तो एकदम यू नो ग्रीन कलर की इसमें स्टफिंग है, थोड़ी सी दरदरी, ऐसे फाइन वाला पेस्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एकदम ही अलग है ये। दिस इज समथिंग दैट आई नेवर नेवर टेस्टेड और हर्ड बिफोर। ऑल सूरती फरसान्स। अच्छा, सूरत स्टाइल फरसान्स। आई मीन इन सूरत आल्सो दिस इज साउथ गुजरात। ओके, देन नॉर्दर्न गुजरात हैज डिफरेंट मसालास। We have green masalas, the northern people have red masalas. And the next one is Lilwa kachori. So again, आप ऊपर से देखोगे तो कोई भी रेगुलर कचौरी जैसे दिखाई देती है वैसे ही दिख रही है, और ब्रेक करने में ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा फ्रेश है।
आई प्रिज्यूम लीलवा कचोरी एंड लीलवा घुघरा का जो टेस्ट है सेम होगा अंदर का, बिकॉज सेम ही स्टफिंग होगी. बट देखने में ना घुघरा का जो स्टफिंग है वो ग्रीन कलर का है और कचोरी की जो स्टफिंग है ये येलोइश है. वाओ, टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, जरा भी सेम नहीं है. जो लीलवा घुघरा है ना हल्का सा स्पाइसियर साइड पे, एंड जो कचोरी है ना ये हल्की सी मीठी है, बहुत ही हल्की सी. बोथ ऑफ देम टेस्ट अमेजिंग. एक्चुअली लीलवा है ना जो पापड़ी होती है ना, वो पापड़ी के अंदर जो बीज जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उसको बोला जाता है, और वो इसमें स्टफिंग में डाला जाता है इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कुछ यूज़ करके. सो दिस गिव्स अ यूनिक टेस्ट, नो डिफरेंट एकदम. इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये और कहीं भी नहीं मिलेगा मुंबई में. सो यूजुअली आप कोई भी सूती स्नैक्स खाओगे ना, तीन फ्लेवर्स उसमें एक साथ होते हैं, खट्टा तीखा एंड किसी किसी में मीठा भी. इसमें भी ना जो हमने कचौरी खाई हल्की सी मीठी है, बहुत ज़्यादा नहीं. और जो नेक्स्ट दूसरे जो स्नैक्स है, एक और तरह की कचौरी है यहाँ पे, दिस इज मूंग दाल कचौरी. ना मूंग दाल कचौरी इज समथिंग विच इज़ कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर, यू नो मुंबई में भी आपको हर जगह पर मिल जाएगी. इसको खा के देखती हूँ. हल्का सा मीठापन इसमें भी है, और जैसा कवर है ना एकदम खस्ता है. सो अगेन उसी से पता चल रहा है ना कि कितना फ्रेश बनाए ये. सो पट्टी समोसा आपने सुना होगा पहले, मुंबई में बहुत मिलता है. एंड पोहा भी होता है इसके अंदर, जो फिलिंग भरी जाती है ना समोसे के अंदर, तो ऐसे अलग अलग तरह की फिलिंग्स होती है. ये वाला जो पट्टी समोसा है इसके अंदर पोहा नहीं भरा, आपको दिखाती हूँ क्या है. हरी मटर भरी हुई इसके अंदर, एंड मूंग की दाल से उसको बाइंड किया हुआ है. एकदम डिफरेंट टेस्ट, बिकॉज ऐसा समोसा तो पहले कभी खाया नहीं है. ऑनेस्टली टेलिंग यू ना, अगर आप गुजराती नाश्ते के शौकीन हो, गुजराती फरसान के, तो आपको ना ये प्लेस ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. दो इट एज एन ओल्ड स्कूल एम्बियंस, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे मॉडर्नाइज रेस्टोरेंट्स की तरह कैफेज की तरह नहीं बनाए, बट फिर भी जो फील है ना खाने की, जो एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक गुजराती फरसान, वो फरसान यहाँ पे मिलता है. एंड यहाँ पे ना ये है पपैये की चटनी, रॉ पपैये के जो स्लाइसेस होते हैं ना वो यूजली सर्व किए जाते हैं ढोकले के साथ में, खांडवी के साथ में, बहुत सारे गुजराती फरसान के शॉप्स में. बट अगेन ये इनकी चटनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको खाने के लिए. अब ये भी देखने में भी काफ़ी डिफरेंट है, देखिए पपैये के स्लाइसेस तो इसमें दिख रहे हैं आपको, बट है ना स्मूथ, इसके अंदर एक अलग सा पेस्ट टाइप दिखाई दे रहा है. बहुत सारे लोग ना ये चटनी इतनी पसंद करते हैं ना कि स्पेशली इस चटनी का स्वाद लेने के लिए वो यहाँ स्नैक्स खाने के लिए आते हैं कि एकम्पनीमेंट में ये चटनी मिलेगी. एकदम डिफरेंट, एकदम ही अलग. रॉ पपैया को बॉईल किया हुआ है, फिर उसका पेस्ट बनाया है, उसमें पपैया की स्लाइसेस भी है, तो काफी अलग टेस्ट है इसका. दिस चटनी, दिस पपैया चटनी, आई डाउट इन एंटायर बॉम्बे यू विल गेट दिस चटनी एनीवेयर. नोबडी, आई कम हियर टू ईट चटनी. 100 rupees का जो नाश्ता किया ना, खाली मैं चटनी खाने के लिए याद रहता हूँ. सो वेरी गुड प्लेस, आई रेकमेंड पीपल, यू नो इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज्जा पास्ता एंड ऑल, प्लीज कम हियर, इट्स सच अ फैंटास्टिक प्लेस टू ईट ब्रेकफास्ट. ये है वाटी दाल का खमन ढोकला, दैट्स अनदर स्पेशलिटी ऑफ अस. द दाल इज सोक्ड द नाइट बिफोर एंड इट इज ग्राइंडेड एंड गिवन फर्मेंटेशन. अच्छा, दैट the one with the water has a shelf life of only about 4-5 hours. This we can keep it through the day. इस शॉप में कुछ अलग भी तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट वन इज दिस खमन. सो यहाँ पे ना ये वाटी दाल खमन बोलते हैं, वो मिलता है. दिस इज नॉट द रेगुलर खमन जो स्पॉन्जी होता है, फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है. ये हल्का सा हार्ड है, अगर आप देखो तो दिस इज नॉट सॉफ्ट. मैंने फर्स्ट टाइम है ना सूरत जब गई थी तब खाया था वगारेला खमन, वो भी थोड़ा सा कड़क था, ऐसे हार्ड मतलब फ्लफी वाला टाइप नहीं था. तो मुझे ऐसा लगा ना कि आई डोंट नो मेकिंग में कुछ गड़बड़ है या ये मैं करेक्ट जगह पे नहीं आई हूँ, बट मैंने 2-3 बार देखा तो हर जगह वैसे ही मिल रहा था. तब मुझे पता चला कि ढोकले में भी ऐसे टाइप्स होते हैं विच आर मेंट टू बी अ लिटिल हार्ड, बिकॉज इनका जो मेकिंग है ना, जिनका ओरिजिनल जो प्रोसीजर है, उस वजह से. चटनी के साथ में कच्चे पपीते की चटनी, टेस्ट खमन वाला ही है, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा. बट जो फील है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उसका लुक अलग है, टेक्सचर अलग है, सो एवरीथिंग इज डिफरेंट. नाउ दिस नेक्स्ट इज खांडवी.
नारियल एंड हरे धने से इसको गार्निश किया हुआ है, जैसे यूजुअली की जाती है, राई डाली हुई है तड़का, काफ़ी सॉफ्ट है टच करने में ही। इसको ना एक्चुअली बेसन का पेस्ट बनाया जाता है, कुक किया जाता है एकदम थिन कंसिस्टेंसी वाला बेसन, फिर उसकी शीट्स बनाई जाती है, पतली पतली से स्प्रेड की जाती है थाल के पीछे ऐसे, फिर उसको रोल किया जाता है, देन इसको कट किया जाता है, तब जाके बनती है खांडवी, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। वाओ, सो सॉफ्ट फ्रेश। इसके शेल्फ लाइफ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है, आई थिंक 4 से 5 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, बट आप यहाँ जब भी आओगे फ्रेश बनती है, क्योंकि ये फ्रेश बैचेस बनाते रहते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे है खट्टा ढोकला, जैसे बोलते हैं ना गुजराती में खट्टा ढोकला, सो दिस इज वाइट वाला ढोकला, ये भी थिन ढोकले की शीट जैसे बनाई हुई है, दिस इज सॉफ्ट, लुक भी इसका अलग है, साइज एंड शेप की वजह से दिस इज यमी, एकदम हल्का सा खट्टापन है इसमें। रेगुलर ढोकला आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं मुंबई में भी, आप अच्छी शॉप में जाओगे ना, फिर गुजराती शॉप में। वैसे अब बढ़ते हैं पात्रा की तरफ, तो पात्रा के ऊपर भी अगेन जो कोकोनट ग्रेट करके डाला है, हरा धनिया एंड राई का तड़का अगेन मुझे दिखाई दे रहा है। पात्रा इज समथिंग विच इज गुजराती एंड इसका एक महाराष्ट्रियन वर्जन भी है विच इज कॉल्ड अरुवड़ी। तो ये डिशेस में क्या डिफरेंस होता है ना, पात्रा हल्की सी मीठी होती है एंड अरुवड़ी इज स्पाइसी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, डिपेंड्स कि कहाँ पे आप खा रहे हो और कैसा उसका टेस्ट है वहाँ का, जो लोग प्रेफर करते हैं। सो दिस पात्रा इज अगेन ना बेसन का बैटर होता है थेक वाला, एंड अरबी के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है, उसको रोल किया जाता है, फिर उसको पीसेस में कट किया जाता है, एंड उसके बाद में शैलो फ्राई किया गया, ये वाला डीप फ्राई भी करते हैं, दिस वन इज शैलो फ्राइड, एंड देन उसको तड़का एंड गार्निश किया जाता है, सो वो वाला है। टिपिकल गुजराती पात्रा, हल्का सा मीठा, स्पाइसी तो नहीं बोलूंगी पर थोड़ा एकदम हल्का सा है ना तीखा वाला टेस्ट, मिक्स टेस्ट है, जैसे यूजुअली सारे सूरती स्नैक्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह का। दीज आर ऑल एडिशंस लाइक पोरबंदर का खाजली है, खाकराज है, थेपलाज है। ये है मिनी बटाटा वड़ा जो काफी फेमस है यहाँ का, दे कॉल इट नाना बटाटा वड़ा, मीन्स छोटा वाला बटाटा वड़ा, देखने से तो आपको वो लगेगा ही नहीं कि ये बटाटा वड़ा है, अगर खाओगे ना उसके अंदर भी देख के आपको नहीं समझेगा कि ये बटाटा वड़ा है, इतना डिफरेंट है इसका लुक और उसका टेस्ट, जो सब्जी है ना आलू की है बल व्हाइट कलर की, इसमें हल्दी नहीं है, इसका मसाले भी अलग यूज किए हुए, नॉट द रेगुलर बटाटा वड़ा जो हम कहीं भी खाते हैं वड़ा पाव के साथ, कम्प्लीटली डिफरेंट। और आप इसमें से कोई सी भी चीज़ ले लो ना, पर प्लेट आपको 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ एट द मोस्ट 70 रुपीज़ मिलेगी, एंड पर केजी के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं बल्क में, उसका भी मेन्यू मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसके रेट्स चेक कर सकते हो, होम डिलीवरी भी कई सारी जगहों पे मिल जाती है। तो नेक्स्ट है ये मेथी का भजिया, और ये देखने में ही इतना ज्यादा क्रिस्प पता लग रहा है ना। आई हैव बीन ईटिंग हियर फॉर लास्ट 25 इयर्स, व्हेनेवर आई कम टू दिस एरिया आई ऑलवेज कम इन द आफ्टरनून इंस्टेड ऑफ ईटिंग यू नो फालतू थिंग, आई टेक माय खांडवी एंड ढोकला एंड बटाटा वड़ा, इट्स वेरी रीजनेबल, वेरी गुड, वेरी फ्रेश, एंड यू नो क्वालिटी इज कंसिस्टेंट। और बंदर का खाजली, the porbandar is very famous for this item. It's a flaky type of a matti type, what you call it. My only worry is the next generation ya baithenge ki nahi, this sort of things you'll not find in Bombay anywhere, the guaranteed quality. Sev khamni, ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये भी आपको मुंबई में जल्दी नहीं मिलेगी, बट आप इस तरफ आओगे ना भोलेश्वर, कालबा देवी, जबेरी बाजार, तो कुछ कुछ जगह पे ये मिल जाती है, अगेन सूरती स्पेशल स्नैक, तो ये देखिए बहुत अच्छी है। एक्चुअली इसमें दो वर्जन अवेलेबल है, जैन वर्जन है विच इज़ विदाउट गार्लिक, और ये एक गार्लिक वाली भी है, मुझे विदाउट गार्लिक वाली पसंद है तो मैं वही खा रही हूँ। खमन जिसको कि क्रम्बल किया गया हो, तो वो वाला टेक्सचर है इसका, एंड जो टेस्ट है वो खमन का ही आएगा आपको, हल्का सा खट्टा वाला जो टेस्ट आता है ना, बहुत स्लाइटली यू नो तीखा, नॉट तीखा बट यू नो थोड़ा सा मिर्ची भी होती है उसमें हल्की सी, तो वो वाला टेस्ट है, तो जब क्रम्बली टेक्सचर विद दैट सेव यू नो बारीक वाली वो डाली जाती है इसके अंदर, जो क्रंच देती है, और ये भी बहुत अच्छी लगती है। इट्स अ सीजनल थिंग, यस, बट वी आर द ओनली वंस इन पॉसिबली द वर्ल्ड और इन इंडिया और इन बॉम्बे हु सेल इट थ्रू आउट द ईयर, इज इट, सो 6 मंथ्स वी सेल इट एवरी डे, दैट इज फ्रॉम गणपति टू होली, ओके, and the balance 6 months we sell it only on Saturday Sundays. All my vegetables come every day from Surat. They come by the Flying Rani train. Acha. It's purchased early in the morning at 3 o'clock.
from the markets there. Because somehow or the other, water ka difference pakdo, yeah, whatever, the vegetables taste different from what is available here in Bombay. Jo main dish yahan ki special jise hum aaj khane ke liye aaye hain, which is undia aur undio. So this is surti undio. तो जैसे गुजरात में कुछ जगहों में रेड मसाला में भी बनाया जाता है, कुछ जगहों पे ग्रीन मसाला में बनाया जाता है. दिस इज प्रॉपर सूरती उंडिया जिसे ग्रीन मसाले में बनाए एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं इसके अंदर. सो ये सबसे ऊपर तो आपको ये ग्रीन वाला गार्लिक दिखाई देगा, तो उसको कट करके ना ऐसे ही डाला है, मतलब रॉ ऊपर से. सो गार्निशिंग में ऐसे दिख रहा है. एंड अंदर जो वेजिटेबल्स है ना, इसमें कर्न डाला जाता है, पर्पल वाला यैम. एंड देन इसमें आलू होता है, केला होता है, देर इज दिस पापड़ी, सुरती पापड़ी जिसे बोलते हैं. और फिर उसके अंदर वो जो निकलता है ना बीज, आपको बताया था यहाँ पे जैन उंडियो भी मिलता है, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो. ठीक है, तो सारे ऑथेंटिक वेजिटेबल्स जब सूरत से आते हैं तो डिश भी ऑथेंटिक ही बनेगी ना, देखने में काफी मसालेदार है. तो एक बाइट इसका लेके बताती हूँ आपको. वाओ, केले का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है. मैंने कहीं भी पहले कभी उंडियो खाया होगा ना, ऐसा वाला टेस्ट इसका नहीं था. दावे के साथ बोल सकती हूँ ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा. एकदम हल्का सा मीठापन है, बट आई डोंट थिंक कि शुगर ऐड किया है मीठा करने के लिए इसको. जो वेजिटेबल्स इसमें डाले हैं ना, जैसे कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्वीट पोटैटो भी इसमें डाला जाता है, वो जो ओरिजिनली जो स्वीटनेस आती है वो ही स्वीटनेस इसके अंदर एकदम हल्की सी. एंड ऑल्सो यहाँ पे थेपले भी मिल जाते हैं पिकल्ड हरी मिर्च के साथ में. तो थेपला इज समथिंग यू नो विच ऑल गुजूज मेक इन देयर होम्स. हर गुजराती के घर में आपको मिल जाएगा. और जब वो ट्रैवल करते हैं ना, ट्रेन से जा रहे हो या प्लेन से जा रहे हो, उनके बैग में थेपले का एक पैकेट आपको मिल ही जाएगा. तो यहाँ के भी थेपले वैसे एकदम थिनली रोल किए हुए अमेजिंग है. स्पेशली वो जो पिकल्ड चिली ये देते हैं ना ग्रीन वाली, उसके साथ में तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं. ये सारे स्नैक्स है ना, ये आपको एकदम ऐसे गर्मा गर्म नहीं मिलेंगे. अगर ये कोल्ड भी हुए ना तो भी ये इतने ज़्यादा डिलीशियस है ना, अगर आप एक बार टेस्ट करोगे तो क्रेविंग तो आपको आएगी ही फिर से खाने की. सो अब लास्ट के लिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है ना, ताकि एकदम स्वीट वाली जो है वो लास्ट में मिले. सो दिस इज जलेबी पापड़ी. एंड आई एम श्योर ये तो बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही होगा. इसको फाफड़ा के साथ भी पेयर किया जाता है जलेबी को, एंड कहीं कहीं पे पापड़ी के साथ भी. तो ये पापड़ी यहाँ पे सर्व की है, क्रंची पापड़ी लाइक यू गेट एनीवेयर एल्स. एंड लुक एट द जलेबी, टू गुड, दिस इज अ मस्ट ट्राई. जो जलेबी के रिंग्स है ना, ये थोड़े से थिक बनाए हुए हैं और शुगर सिरप पूरी तरह से अंदर चला गया, तो एकदम जूसी जलेबी लग रही है. ये बहुत ही अमेजिंग है. एंड द स्वीट इज जस्ट परफेक्ट. दिस नमकीन पापड़ी विद द मीठी जलेबी, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग उसको तीखी चटनी या पपैया स्लाइसेस के साथ भी खाते हैं. दिस कॉम्बिनेशन इज डेडली. दिस इज कॉल्ड घारी, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है सूरत की. तो मैंने जब सूरत का वीडियो बनाया था ना, तो वहाँ पे भी ट्राई किया था. मैदे से बनाई जाती है, लेयर्स होते हैं इसमें, उसमें मावा होता है. एंड देन देयर आर वेरिएंट्स, आप चाहो तो पिस्ता घारी ले लो या फिर मावा घारी ले लो. और जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, ऐसा तो कोई भी स्वीट होता है, बट द यूनिक थिंग इज इसमें इतना सारा घी डाला जाता है. तो इट इज़ फुल्ली लोडेड विद घी, और बिल्कुल वैसी ये घारी भी दिख रही है मुझे. तो बस थोड़ी सी मैं इसमें से आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ. वाओ, दिस इज सो डिलीशियस. बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आ रहा है. मावा एंड घी ना, बहुत सारा घी. अगर आप घी पसंद करते हो तब तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है. अब आपको ये घारी खाने के लिए सूरत जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुंबई में भी भुलेश्वर में हीरालाल काशीदास भजिया वाला के पास इसका स्वाद ले सकते हो. मैंने भी यहाँ की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म की है, जो बची है उसको ख़त्म करूँगी. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ देखने में कौन सी लग रही है, सबसे ज़्यादा यमी क्या लग रहा है. शेयर कर देना अपने उन गुजराती फ्रेंड्स के साथ एंड नॉन गुजराती के साथ भी जिनको ये सारी चीज़ें पसंद आ सकती है. सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे और ऑथेंटिक रीजनल इंडियन फूड के वीडियोज़ के लिए. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो. आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे शॉप के बारे में. आज का वीडियो होने वाला है एक, अरे बहुत आवाज़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको खाने के लिए.